स्टॉक्स हैं जो दरअसल उस तरह का मीनिंगफुल करेक्शन दिखाए ही नहीं है उन लोगों ने, डटे हुए खड़े हुए नजर आएंगे आपको। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनके फाइनेंशियल बेहतर होते हुए नजर आए थे इस कोविड के दिक्कतों से पहले। तो आप गौरांग सर की पहले पिक्स दिखाइए, जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो तीन स्टॉक्स हैं जो आप लंबी अवधि के लिहाज से इन स्तरों से एक्युमुलेट करके चले, पोस्ट कोविड जब मार्केट मूड माहौल रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा, ट्रेंड ऊपर की तरफ आएगा, तो मोटा पैसा कमाने के मौके होंगे। वो स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट और बैंक्स में एक्सिस बैंक। ये वो है क्लॉसेस जो मीनिंगफुल करेक्ट हुआ है, बाकी दोनों तो खैर मीनिंगफुली करेक्ट भी नहीं हुए हैं जिस तरह से बाकी स्टॉक्स मार्केट प्लेस में हुए हैं। तो ये वो तीन बेहतरीन स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो को लाइट अप करने में आपकी मदद करेंगे। कालरा साहब के टारगेट इन्वेस्टिंग की पिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, और यहाँ पे भी एफएमसीजी पे जोर है। कोलगेट पामोलिव पहला स्टॉक था जिसपे दाव लगाने की बात, पिडलाइट फेविकॉल जैसे मजबूत ब्रांड, ये गजब की कंपनी है, इसको रडार पर रखिए। कच्चा तेल मैसिवली करेक्ट हुआ है बावजूद इसके कि ओवरनाइट अच्छी रैली आई थी बीच में, उस सब के बावजूद पिडलाइट के लिए आउटलुक बेहतर है खरीदारी करने के मौके। और नेस्ले जैसी कंपनी, मैगी ऑफ द शेल्फ चली गई, मैगी की हमेशा डिमांड स्ट्रॉन्ग, नेस्केफे जैसे प्रोडक्ट ब्रांड जैसी कंपनी के पास, इसको रडार पर रखिएगा। टाइम वाइज थोड़ा सा पेन दे सकता है लेकिन प्राइस वाइज कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं और यहाँ से इवेंचुअली एक मीनिंगफुल रिटर्न देने का दमखम रखता है। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन की जो टॉप थ्री बेट्स है वो लेकर आइए, उसमें सबसे पहला स्टॉक है बायोकॉन, फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक बेहतरीन कंपनी। आस्था मेंशन कर रही थी साल की शुरुआत से बेट कर रही थी और अब तो जिस तरह से जिन स्टॉक्स में करेक्शन आया तो एक्युमुलेशन के जोन पे है, यहाँ से और गिरता है तो और खरीदने के मौके ढूंढेगा बायोकॉन में। टावर इंडिया, हाँ काफी सारे बड़े ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास, च्यवनप्राश जैसे ब्रांड्स बहुत तगड़े शेल्फ से जा रहे हैं क्योंकि लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स रडार पर रखिए खरीदारी करने का मन बनाइए। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस तीसरा बेट था इंश्योरेंस स्पेस में, ये स्टॉक भी मीनिंगफुली करेक्ट हो चुका है और ये अच्छे एंट्री पॉइंट दे रहा है, रडार पर रखना है। तो ये वो नौ बेहतरीन आइडियाज जो होपफुली आपके पोर्टफोलियो को लाइट अप करते हुए नजर आएंगे। इस नोट पर